हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक रेडियंस 2 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर जो सिंपैथी है, तो उसका क्वेश्चन नंबर पहले वन वर्ड सेंटेंस वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द पोयम, कविता में मैं किसे कहा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा द पोएट इज़ आई इन द पोयम, कविता में मैं कवि को कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज इन सोरो, मतलब दुख में कौन है। तो दुख में कवि है, तो द पोएट वाज इन सोरो, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट, तो वह गर्व करने वाला आदमी कवि को क्या देता है। द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट, तो जो गर्व करने वाला आदमी था वह कवि को सोना देता है। अगला क्वेश्चन है, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सोरो, दुख के समय कवि के सिर को कौन सहलाता है। तो इसका आंसर होगा द पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन द सोरो, तो गरीब आदमी कवि के सिर को सहलाता है दुख के समय। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी, गोल्ड और सिंपैथी में कौन बड़ा है। तो इसका आंसर होगा सिंपैथी इज़ ग्रेटर देन गोल्ड, सिंपैथी सोना से बड़ा है। अगला क्वेश्चन है वन सेंटेंस वाला, वन सेंटेंस में आंसर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर, कवि को अच्छा बात किसने नहीं कहा था, सिंपैथी वाला बात कौन नहीं बोला था। तो द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर, तो जो गर्व करने वाला इंसान था वह कुछ भी अच्छा बात स्पीकर को नहीं बोला था। अगला सवाल है, व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू ईट, तो वह गरीब आदमी कवि को क्या देता है खाने के लिए। द पुअर मैन गेव ब्रेड टू द पोएट टू ईट, तो वह गरीब आदमी कवि को ब्रेड देता है खाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही, यानी कि द पोएट ले इन वांट एंड ग्रीफ, पुअर मैन कवि को दुख के समय कैसे मदद करता है। द पुअर मैन बाउंड हेड ऑफ द पोएट एंड गेव हिम ब्रेड, ही ऑल्सो वॉश्ड हिम नाइट एंड डे, तो वह गरीब आदमी कवि के सिर को सहलाता है, उसे ब्रेड देता है खाने के लिए और उसका दिन रात सेवा भी करता है, देखभाल करता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 50 वर्ड में आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वॉज इन डीप सोरो, तो वो गर्व करने वाला आदमी कवि का किस तरह मदद करता है जब वह दुख में रहता है। डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड, क्या तुम इस तरह का मदद लेना पसंद करोगे। तो इसका आंसर होगा द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट व्हेन ही वॉज इन डीप सोरो, मतलब गर्व करने वाला आदमी कवि को सोना देकर उसकी मदद करता है जब वह दुखी होता है। और अगला आंसर है इसी में, नो आई नॉट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड, मुझे इस तरह का मदद करना पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन, सिंपैथी को सोना के साथ किस तरह से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपेयर मतलब तुलना नहीं कर सकते हैं, तो इसे एक्सप्लेन करके बताइए, विस्तार में बताइए। तो इसका आंसर होगा इफ यू गिव गोल्ड टू समवन देन ही कैन पे यू बैक, बट इफ यू गिव सिंपैथी टू समवन यू टेक केयर ऑफ हिम देन ही कैन नॉट पे यू बैक, सो सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड। इसका मतलब हुआ कि अगर तुम किसी को सोना देते हो तो वह तुम्हें आसानी से लौटा सकता है, लेकिन अगर तुम किसी को सिंपैथी देते हो, उसकी देखभाल करते हो, तो वह तुम्हें नहीं लौटा पाएगा।
इसलिए सिंपैथी जो है सोना से तुलना नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन? इफ यस, गिव डिटेल्स। तो यहाँ पूछ रहा है, क्या तुमने कभी किसी को सिंपैथी दिया है, यानी कि सहानुभूति या मदद किया है? अगर हाँ तो उसे बताओ। तो अगर आपने जो किया होगा वो लिख सकते हैं, या फिर आप इसे भी उतार सकते हैं। तो इसका आंसर है येस, आई हैव शोन सिंपैथी टू अ पपी डेट वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। आई गेव माई ओल्ड क्लॉथ्स एंड सम फूड टू द पपी। हाँ, मैंने एक पपी के ऊपर अपना सिंपैथी दिखाया था जब वह ठंड से ठिठुर रहा था, तो मैंने उसे अपने पुराने कपड़े दिए और कुछ खाने के लिए भोजन दिया। तो सिंपैथी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो चुके हैं। अब बाकी के क्वेश्चन अगले चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।